ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। बड़ी और जरूरी जानकारी लेके आए हैं मध्य प्रदेश के तमाम छात्र छात्रन खातिर जे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा 1 और 2 मार्च से आयोजित की जाती रहा और यही तहत बता दें कि लगातार विभाग के द्वारा जो है शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा से जुड़ी अपडेट दीन जा रहा है और इधर के पुन की बड़ी और जरूरी जानकारी दीन गई है। खबर में अपनों को बताऊँ कि आखिर परीक्षा से जुड़ी कौन मेर की जानकारी ए बार बोर्ड के द्वारा दीन गई है। तो विधि क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे समाचार इनका प्रोग्राम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र खातिर महत्वपूर्ण खबर लेके आए हैं। 1 मार्च से ये परीक्षा शुरू होने वाली है। टाइम टेबल सहित परीक्षा केंद्र से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ परीक्षा के दौरान कोने कोने बात का ध्यान में रखे पड़ी एहू से जुड़ी जानकारी दी गई है। बता दें कि बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रन खातिर लगातार निर्देश जारी किए जा रहा है। छात्रन के खातिर जहां एक तरफ मॉडल पेपर मार्किंग स्कीम सहित तमाम जानकारी एमपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करवाई दी गई है तो वहीं दूसरे कई छात्रन खातिर करके पुन के नई गाइडलाइन जारी की गई है और गाइडलाइन के पालन करब हर छात्र छात्रा का अनिवार्य है। बता दें कि बोर्ड परीक्षा के आयोजन की अगर बात की जाए तो 9 बजे से 12 बजे तक यह परीक्षा आयोजित की जाए और इसने वहाँ हर छात्र का 8 बजे तक परीक्षा केंद्र में पहुंचा अनिवार्य किया है। मतलब कि 1 घंटा पहले बच्चन का अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएगा है। एडमिट कार्ड के जांच के बाद परीक्षा केंद्र खातिर परीक्षा कक्ष में छात्र छात्रन का प्रवेश दिन जाए 8:30 बजे तक। बता दें कि छात्रन का परीक्षा हाल में प्रवेश करब अनिवार्य हुई वह 8:45 के बाद कोनो छात्र का परीक्षा हाल में प्रवेश की अनुमति न दिन जाए। एक दौरान बता दें कि आप इधर की छात्रन के खातिर जो बड़ी जानकारी लेके आ रहे हैं कि जो है कानाफूसी तक है दौरान बोर्ड के द्वारा उम्र सख्ती लगाई दी गई है। परीक्षार्थी का नकल करब भारी पड़ सकत है। परीक्षा केंद्र में कैमरा लगावे के तैयारी की गई है। उड़न दस्ता शामिल की गए हम और ऐसे में परीक्षा के समय अलर्ट रहा छात्र छात्रन का बेहद जरूरी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बता दें कि ए बार 20 लाख से अधिक छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और एक खातिर कुल 3,800 परीक्षा केंद्रन के व्यवस्था की गई है। कुल 19 लाख छात्रन के द्वारा परीक्षा खातिर रजिस्ट्रेशन करवा गया है। कई एक जिला में परीक्षा केंद्रन का संवेदनशील घलाय घोषित की गया है। इससे पहले बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया रहा कि 10वीं और 12वीं परीक्षार्थी खातिर प्री बोर्ड के परीक्षा के आयोजन न करवावा जाए। समय सीमा आगे बढ़े और देर हो की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया है। ऐसे में प्रश्न पत्र छात्रन का घर में सॉल्व करे पड़ी जैसे परीक्षा के बेहतर तैयारी हो सके। वह कोनो प्रश्न के हल न हो की स्थिति में एक्स्ट्रा क्लास के दौरान शिक्षक छात्र का प्रश्न पत्र के हल करे में मदद करी। 10वीं बोर्ड के परीक्षा खातिर परीक्षा केंद्र में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉच कैलकुलेटर सहित तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो है प्रतिबंधित कर दी गई है। मतलब यह सामान जो है अपना नहीं ले जा सके परीक्षा के कक्ष के भीतर। एक के साथ बता दें कि पानी के बोतल के जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे कि पानी के बोतल जो है पारदर्शी हो बेहद जरूरी है। यानी ऐसे बोतल जो पारदर्शी नहीं है वह पानी खातिर बच्चन के द्वारा इस्तेमाल करे से जो है प्रतिबंध लगाए दिन कहा। तो दई इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। ज्वाइन करो अरीना गेमिंग इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट और बनाओ अपना फ्यूचर गेम डिजाइन में जहां लाखों प्रोफेशनल्स के डिमांड है। डिड आई जस्ट सी माय फ्यूचर? आई एम गेम फॉर इट। अरीना गेमिंग, आर यू गेम फॉर इट?